जरिए वेस्ट डिस्पोजल करेगा जो इशू है, फिर आपका कहना ये है कि फिर बुकिंग करेगा तो 7 दिन के लिए क्यों 1 हज़ार में कभी जरूरी रहना चाहेगा। ये सारी बातें जो प्रैक्टिकलिटी आप बता रहे हैं, ये समस्याएँ हम समझते हैं आती हैं डे टू डे रनिंग में, लेकिन अभी अनलॉक 1 का जो एक फेज शुरू हुआ उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को पटरी लाने के लिए रुड़की होटल एंड बार एसोसिएशन के सभी होटल संचालक आज रुड़की तहसील स्थित जो एडमिनिस्ट्रेट कार्यालय पहुँचे, जहाँ पर सभी होटल संचालकों द्वारा अपनी अपनी समस्याएं जो एडमिनिस्ट्रेट नमामि बंसल के सामने रखी गई है। आइए जानते हैं होटल मालिक इस बारे में क्या समस्या लेकर आए थे और उन्होंने क्या समस्याएँ अपनी जो एडमिनिस्ट्रेट के समक्ष रखी हैं जो उनके सामने अब अनलॉक होने के बाद आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन के समय तो होटल बंद थे, अब अनलॉक होने के चलते होटल भी खोल दिए गए हैं, रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए हैं। होटल मालिक का क्या कहना है इस बारे में, क्या कहना नहीं है, आइए जानते हैं। होटलों के जो मालिक हैं अभी हमारे साथ तहसील में खड़े हुए हैं, सभी होटल के रुड़की शहर के जितने भी होटल हैं उनके सभी मालिक यहाँ पर खड़े हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहें। किस लिए आप पहुँचे थे सर, आप किस लिए आए थे यहाँ पर? मैं तो इसलिए आ रहा जो हमारे वेंचर जो पार्टियाँ हो रही हैं उनकी परमिशन के लिए आ रहा है। होटल सर कुछ बताया जा रहा है कि 7 दिन एक व्यक्ति आता है जो होटल की बुकिंग कराता है, तो उसके लिए 7 दिन रुकवाने के लिए जो प्रशासन ने अनुमति दी है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको लेकर हम ये कहना चाहेंगे भैया, 7 दिन में कोई आदमी रुकने के लिए तैयार नहीं होगा, जो 1 दिन के लिए आ रहा है तो 7 दिन कैसे रुकेगा हमारे? ये हमारे साथ जुड़े हुए थे होटल लोटस के मालिक गोयल सर। अब जानते हैं हम कौशिक जी से, ब्लू सफायर के मालिक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो दिशा निर्देश हमें सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं कि कोई भी अन्य राज्य का जो भी यात्री उत्तराखंड के अंदर आएगा उसे न्यूनतम 7 दिन का स्टे करना ज़रूरी है, इस नियम के खिलाफ हम सब लोग आए हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति जिसे 1 दिन का काम है या 2 दिन का काम है वो 7 दिन क्यों रुकना चाहेगा। एक तरीके से होटल खोलने का आदेश प्राप्त था और दूसरी तरफ ऐसे नियम जिसकी वजह से होटल का 1 भी दिन काम आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसका हमने SDM के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया है और हमने आशा करी है कि इसमें जल्दी संशोधन होगा और दोबारा से जिस तेज़ी से होटल इंडस्ट्री आगे बढ़ती थी आने वाले समय में भी जल्दी से काम खुले। अभी हमारे साथ होटल सेंट्रम के जो संचालक हैं सचदेवा जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा मेन मुद्दा तो यही है कि जिसके अंदर ये 7 दिन का कंपल्शन रखा है स्टे का, ये हटना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर 1 दिन के काम से दूसरे स्टेट से आ रहा है तो 7 दिन तो किसी भी हमसे बात नहीं कर सकते। तो मेन मुद्दा सरकार तक पहुंचाने का यही है कि इस तरह से इसको ख़त्म किया जाए तभी इंडस्ट्री चल पाएगी, नहीं तो हम भी बंद कर। आपका क्या कहना है इसमें? इसमें जो भाई आप ये सब लोग बता रहे हैं मेंबर, कुछ टाइम को लेकर भी आपने मैडम के सामने समस्या रखी है, जो टाइमिंग है 7 से लेकर 7 तक, और रेस्टोरेंट जो टाइमिंग होता है वो 7 के बाद होता है, तो जो भी डिनर करने हमारे यहाँ आएगा या जो भी हम थोड़ा बहुत कस्टमर आ रहा है, बिकॉज अभी कोई कस्टमर है नहीं, वो आएगा आपका 7 के बाद ही, क्योंकि डिनर टाइम 7 के बाद है, कोई डिनर टाइम में लंच तो करेगा नहीं, तो ये तो नॉन प्रैक्टिकल, बिल्कुल नॉन, बिना प्रैक्टिकल ग्राउंड का जो भी इनकी गाइडलाइन आई है, इससे अच्छा तो होटल को बंद ही करने की आदेश दे दें। हमारा जो स्टाफ होगा, हमें जो इनकम जनरेट करनी होगी, वो स्टाफ को सैलरीज भी देनी पड़ती है। सभी होटलों का मालिक का कहना यहाँ पर ये है कि जो होटल खुले हैं उनमें जो व्यक्ति बाहर से आके रह रहा है उसको 7 दिन होटल में रहना होगा, ये बिल्कुल ही गलत है। जब हद से हद आदमी 1 या 2 दिन यहाँ होटल में रुकता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाला जो व्यक्ति होता है या तो वो स्टूडेंट होता है या फिर किसी कंपनी से रिलेटिव होता है जो किसी कार्य के लिए आता है, वो सिर्फ यहाँ पर 1 से 2 दिन ही रुकता है, लेकिन 7 दिन के लिए जो रोका जा रहा है वो गलत है, इसलिए होटल व्यवसायियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।